अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगी, उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर मिटेक्सा एजुकेशनल चैनल। एंड एज यू ऑल नो, माई सेल्फ देव शुक्ला एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ दिस मिटेक्सा चैनल। सो आई एम गोइंग टू प्रिप्रेजेंट टूडे द होल समरी ऑफ द टॉपिक ऑफ योर बीएड ट्रांसलेटेड ऑल योर क्वेरीज, बिकॉज वेन वी टेक द लास्ट सेशन लाइव स्ट्रीमिंग सेशन यस्टरडे, देन वी हैव गॉट द सो मेनी यू नो कमेंट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग द काउंसलिंग, बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट दी सिचुएशन दैट वॉट दे documents they have to brought about the counseling center and how the process will going to start after that, the counseling, when there will be the starting of the academic session. So there are lots of queries we have just encountered yesterday, but you know we have to answer all of that question, but you know there was not so much sufficient time we have got. So you know, as I previously promised you that I'm going to represent my personal topic, personal live session, and but due to some you know inconvenience I could not take your live session, but this is the video I have, you know, making for all of you guys for your queries, regarding all your queries. So guys, तो start करते हैं। आप जानते हैं तो धनंजय प्रताप सिंह ने जो फाउंडर है मिटेक्सा के, उन्होंने आपको सारी queries बताए हैं शुरुआत से लेकर लास्ट तक, from the starting of the B.Ed. examination, that what you know documents you have to got, what the examination process, what the syllabus you have to follow through all your examination process, and how will be going to affect all those studies. But you know the session today is very important in the terms of the three steps, like the B.Ed. counseling, which is the most important for your upcoming 2 years. Yes, upcoming 2 years, this session will be going to boon for you, because lots of doubts students encounter. जैसे कि लोगों को अभी तक पता नहीं था, जैसे कल हम लोग देख रहे थे questions कि document certificate का क्या करना है, सर हमारा B.Sc. या B.A. या B.Com. final है तो मार्कशीट नहीं मिली कॉलेज से, हम क्या करेंगे, ऑनलाइन जब जाएंगे काउंसलिंग देने तो वहाँ पर क्या होगा। सो ये सारे क्वेरीज थी उनकी, तो उसके ही रिगार्डिंग अपना वीडियो बना रहे हैं, और आपको इसके लास्ट तक आप एकदम पूरे फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको अब कुछ भी इधर उधर सर्च करने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके पास सफिशेंट रिसोर्सेज नॉलेज नहीं हो पाती है, तो कभी कभी एक मेधावी छात्र भी भीड़ में काफ़ी पीछे छूट जाता है अपनी प्रतिभा के होते हुए भी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। सो पहली चीज़ है सर, आप सभी दोस्तों की जो आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग वो स्टार्ट होगी अप्रॉक्स क्या मतलब कि कंफर्म है तो 2 जून 2018 से लेकर 30 जून तक, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेशन स्टार्ट होने वाला वो होगा 2 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक, अब आते बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट की कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में क्या क्या ले जाना है। तो एक चीज़ याद रखिए, आपने जब अपना फॉर्म भरा था बीएड का, ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए पहली चीज़। सेकेंड चीज़ आपको चाहिए आपका जो स्कोर कार्ड था जो आपने पाया था बीएड का, कि आपकी कितनी रैंक है, कितना आपका वेटेज है, कितना आपके मार्क्स हैं, ठीक है। थर्ड, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है बिकॉज योर एज प्रूफ, ठीक है। तीन चीज़ें मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं आगे उसके कि इन सब के बाद बात आती है कि अब रैंक का से कुछ लोग काफ़ी फंसे थे कि सर रैंक हमारी इतनी है, हमें कॉलेज कौन सा मिलने वाला है, सर कॉलेज कितने हैं, सर गवर्नमेंट कितने हैं, एडेड कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं। सो सारी क्वेरीज का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रैंक से, ठीक है। तो रैंक का सीन ये है दोस्तों कि आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था बीएड को सीट से फुल करने के लिए, वो था लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स की यहाँ पे जगह थी। तो 2 लाख कैंडिडेट्स की जगह के लिए सर और मैम ये समझ लीजिए आप कि हमारे पास जो कॉलेजेस हैं वो हैं लगभग 2100, ठीक है, टोटल कॉलेज हैं, और 2100 कॉलेज में से आपके जो 110 कॉलेज हैं वो आपके आते हैं गवर्नमेंट प्लस एडेड कॉलेज, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्लस एडेड कॉलेज इज इक्वल टू 110 कॉलेज, और इस 110 कॉलेज में से जिनकी रैंक 1 से 10,000 तक है मैक्सिमम, ठीक है, आउट ऑफ 2 लाख कैंडिडेट्स, 1 से 10,000 तक की जिनकी रैंक है वही स्टूडेंट्स इसमें अपना सेफ सीट अलॉट कर पाएंगे, ठीक है। अब जो बचे हुए स्टूडेंट्स जो 10,000 की रैंक के ऊपर हैं और 2 लाख तक आते हैं, उन सभी बच्चों को मिलेगा 2100 कॉलेजेस में ऑप्शन, मतलब कि सारे जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में। इतना गॉट इट है। अब स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो ये समझ लीजिए आप कि ऑनलाइन काउंसलिंग जो प्रोसेस आपको होने वाला है वो होगा 3 फेज में, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज में आपकी जो काउंसलिंग होगी दोस्तों, उसमें आपका ये समझ लीजिए आप कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, जो 1 से लेके 16,000 तक के रैंक के जितने भी स्टूडेंट हैं
उन सब की काउंसलिंग होगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून 2018। ये सारी डेटें जो मैं बोल रहा हूँ आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून 2018 आपकी पहली काउंसलिंग होगी 1 से लेकर 16,000 तक के रैंक के। तो गाइज जो सेकेंड वीक आपका होगा, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जून होगा, उसमें आपकी जो काउंसलिंग होगी वो रिमेनिंग 16,000 रैंक से लेके 61,000 रैंक तक के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स की रैंक है उन सब की काउंसलिंग होगी आपकी सेकेंड वीक ऑफ जून, ठीक है। और जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स थे जो 61,000 से 190,000 तक के रैंक होल्डर हैं स्टूडेंट्स हैं उनकी जो काउंसलिंग होगी वो होगी सेकेंड उनकी होगी थर्ड वीक ऑफ जून 2018, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कितनी रैंक से कितनी रैंक तक किस शेड्यूल में तय है, प्लस मैंने बताया आपको अभी कि जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी कॉलेज के लिए वो आपकी किस रैंक से किस रैंक तक और किस टाइमिंग पे है। आप इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे एक बार तो फ्रेंड्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ रिवाइंड करना भूलिएगा, वरना आप ये कहोगे कि सर आपने इन्फॉर्मेशन तो दी लेकिन समझ नहीं आया। तो इसको रिवाइंड करके जब तक नहीं देखेंगे तो आप नहीं पा सकते कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आप डिक्लेरेशन ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट लेके आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो उस कॉलेज का पता करने के लिए दोस्तों आपको ये करना है कि आपको ये करना है दोस्तों कि मैं बता रहा हूँ कि सेकेंड वीक ऑफ जून 2018 में जिनकी रैंक 1 से 16,000 तक के बीच में थी उन सारे कैंडिडेट्स को मालूम पड़ जाएगा कि उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जून 2018 में ही मालूम पड़ जाएगा 16,000 से 61,000 तक के रैंक होल्डर्स को कि उनकी कौन सा कॉलेज मिला है। और थर्ड वीक ऑफ जून 2018 में मालूम पड़ जाएगा 61,000 से 190,000 तक के रैंक होल्डर स्टूडेंट्स को कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है। गाइस समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए गाइस कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का सीन ये है कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, जो कि एज प्रूफ होगी आपका, ठीक है, वो ले जाना है। प्लस आपको ले जाना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने फॉर्म भरा था बीएड का, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको ले जानी है अपना स्कोर कार्ड बीएड का कि इसमें आपके कितने रैंक हैं, ठीक है, ये ले जाना, और मार्क्स कितने हैं। ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, भूलना बिल्कुल भी मत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सेशन में। अब आगे का सेशन ये है कि आपको ले जाना है। अब देखिए क्या होता है कभी कभी कि कुछ बच्चे होते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग चल रही लेकिन भूल जाते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग मेरी चल रही, डेट कभी मिसमैच हो जाती है, जाना है चार को। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ओटीपी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है। और मेरा जानने से मतलब ये है, ऑनलाइन काउंसलिंग से मतलब ये है कि आप जाओगे कैफे, तो मतलब ये है कि आपको उसी दिन अपना काउंसलिंग करानी है, ठीक है। ये नहीं कि 4 की डेट है तो जा रहे हैं 6 को 7 को, नहीं प्लीज़, इट्स योर फ्यूचर यार, कम से कम इतना तो सीरियस हो जाओ आप लोग अब, ठीक है। तो आई होप कि सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट कि काउंसलिंग डेट कब आएगी। और हाँ, अभी काउंसलिंग डेट नहीं आई है प्लीज़, ओके, अभी काउंसलिंग डेट नहीं आई, मैं फिर से कह रहा हूँ 25-26 तक, अभी आज 22 तारीख हो गई है, 25-26 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि डेट आने वाली है। तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मोबाइल नंबर, मोबाइल का टावर, सब कुछ ठीक से रखिए। ये नहीं कि सर ओटीपी नहीं आया, कि सर टावर नहीं आ रहा था, तो ठीक है, तो सारे अच्छे से रखिए प्रिपेयर, डॉक्यूमेंट्स सारे अच्छे से रखिए और इंतज़ार करिए 2 जून का। और जितनी भी आपको जो भी टाइम दी जाए आप उस डेट पे ही जाएं, काउंसलिंग कराएं और अच्छे से अपना करियर ब्राइट करें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर मिटैक्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ देव शुक्ला, और ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करिए फ्रेंड्स को, क्योंकि देखिए मैंने सर कल आपसे बताया कि एजुकेशन ऐसा फील्ड है जिसमें आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है या सिर्फ मुझे ही ज्ञान हो जाए, मुझे ही एकदम मोच मिल जाए इस टाइप का, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप सबको अपना ज्ञान देने की कोशिश करिए जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको बीएड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है दोस्तों, कल हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ें क्वेश्चन देख रहे थे, इनकाउंटर कर रहे थे यस्टरडे, कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मतलब कि काफ़ी सारे डाउट्स थे लोगों के कि सर मार्कशीट ओबीसी की, ओबीसी का सर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, सर फीस कितनी बतानी है, सर मतलब कि अपनी पापा की जो मंथली सैलरी वो कितनी बताऊँ ताकि मैं स्कॉलरशिप गेन कर पाऊँ, काफ़ी चीज़ें थी। काफ़ी लोग परेशान थे कि सर घर से कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पे हम लोग कॉलेज मिलेगा। तो गाइस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो जब ये शेयर करोगे तो उनके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। आपकी अगर अच्छी रैंक है तो मोर आप ये मान लो कानपुर का कोई बंदा है और उसकी रैंक अप्रॉक्स 6,000-7,000 है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको अकबरपुर या कानपुर देहात या कानपुर के बॉर्डर से लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर पर कॉलेज मिलने के चांसेस मोस्ट हैं, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आंसर कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें बीएड में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों लखनऊ है आपका, गोरखपुर है, ठीक है,
कानपुर की सेजो यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, इलाहाबाद के 6-7 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप ये मान लो कि इनमें ही से आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगा। और एक और चीज़ दोस्तों कि बीएड में आपको डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, बिफ कर रही है आपको कॉलेज जाना पड़ेगा एग्जाम्स से रिलेटेड देने के लिए, ठीक है, आपको डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, आप बिफ कर रही है इस बात से। अपना खूब मन लगा पढ़िए और अच्छे से अपना करियर बनाइए। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ गाइज हमें आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पोस्ट करिए ताकि आपको सेटिस्फाई आंसर दे पाएँ, ठीक है। और किसी भी अन्य टॉपिक पे भी, ठीक है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, यूपीएससी हो, अदर एग्जामिनेशन हो, आप प्लीज़ हमें अपना पिंक करिए कमेंट सेक्शन में ताकि हम उस सेक्शन में भी आपको एक हेल्दी नॉलेज और या आपके जो डाउट्स क्वेरीज हैं, आपको कोई भी सवाल पूछना है किसी भी रिलेटेड फील्ड से, कोई भी सवाल नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ आप हमें लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आप बताइए कि सर हमें यूपीएससी टारगेट टॉपिक चाहिए, सर हमें एसएससी टॉपिक चाहिए, सर सीजीएल एसएचएल सीएचएसएल चाहिए, तो हमें बताइए ज़रूर, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, ओके। टिल देन मेट, हम जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक बहुत अच्छे एक टॉपिक और सिलेबस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।